अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवाबुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। अरहं सम्यक् सम्बुद्धा भगवान को अभिवादन करता हूं। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूं। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्खु संघ को वंदना करता हूं। साधु साधु। यं किञ्चिरतनं लोके विचति विविधा पुतु रतनं बुद्धसमं नत्ति तस्मासोते भवन्तु मे। इस लोक में जितने भी रत्न है उनमें बुद्ध रत्न के समान कोई भी नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध के जीवनी में आगे क्या होता है आइए देखते हैं। बुद्ध के जीवनी निरंतरता। अस्थि धातु विभाजन। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को 7 दिनों तक सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद भिक्षु संघ में ज्येष्ठ भिक्षु महाकाश्यप महास्तवीर के साथ भिक्षु संघ के उपस्थितियों में तथागत बुद्ध के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार संपन्न किया गया। तथागत बुद्ध के शरीर को दाह संस्कार करने के बाद वहां तथागत बुद्ध के जो हड्डी या अस्थि धातु रह गए उसे लेने के लिए विविध जगहों विविध संघों विविध गणों या राज्यों के प्रतिनिधियां वहां पहुंच गए थे। अस्थि के लिए वहां अब मतभेद भी शुरू होने लगा। इस समय द्रोण ब्राह्मण ने मध्यस्थ करते हुए तथागत बुद्ध के अस्थि धातु सभी को बराबर विभाजन कर दिया। तथागत बुद्ध के अस्थि धातु मिलने वाले वो राज्यों ने अपनी अपनी जगहों पर अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप या चैत्य बनवाया गया और महोत्सव किया। तथागत बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करने वाले राज्य इस तरह के थे। 1. मगध राजा वैदेही पुत्र अजातशत्रु ने राजगृह में अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु, साधु।
वैशाली के लिच्छवियों ने वैशाली में बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु, साधु। तीन, कपिल वस्तु के साक्यों ने कपिल वस्तु में तथागत बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु, साधु। चार, अल्लकप्प के बुलियों ने अल्लकप्प में तथागत बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु, साधु। पांच, राम राम के कोलियों ने राम राम में तथागत बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु, साधु। छे, वेत द्वीप के ब्राह्मण ने वेत द्वीप में तथागत बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु। सात, पावा नगरी के वासी मल्लों ने पावा नगरी में बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु, साधु। आठ, कुशीनगर के मल्लों ने कुशीनगर में तथागत बुद्ध के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके स्तूप बनवाया। साधु, साधु, साधु। अस्थि धातु बांधने वाला खुद द्रोण ब्राह्मण ने तुम्बे पर ही स्तूप बनवाकर अपने जगह पर उत्सव मनाया। साधु, साधु, साधु। अस्थि धातु विभाजन होने के बाद अंत में पहुंचने वाले पिप्पली वन के मौर्यों ने अंगारों पर ही स्तूप बनवाकर अपने जगह पर उत्सव मनाया। साधु, साधु, साधु। इस तरह बुद्ध के अस्थि धातु पर बने आठ स्तूप और एक तुम्ब स्तूप तथा एक अंगार स्तूप, ये 10 स्तूप पूर्व काल में थे। साधु, साधु, साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।